जी मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह विन करेगी और मेरा कायदा आ गया इंशाल्लाह सारी महंगाई सारा ख़त्म करेगा इंशाल्लाह, डॉलर नीचे आएगा इंशाल्लाह, इलेक्शन शेर जीतेगा इंशाल्लाह। जलसा मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर जितने जलसे हुए हैं आज का जलसा तारीखी जलसा है और रिकॉर्ड ब्रेकर जलसा है। आज जो लोग कहते थे कि मीनारे पाकिस्तान नहीं भर सकता, आज लाहौर शहर की गलियों के अंदर जाके देखें कि कैसे आवाम का जमे गफीर निकला हुआ है और कैसे अपने हर दिल अजीज लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्त हैं कौम को मियाँ साहब के साथ, क्योंकि मियाँ साहब हमेशा मुश्किल वक़्त में आते हैं और अल्लाह की करम नवाजी है कि आगे परफॉर्म करते हैं, कौम उनको याद रखती है। आज भी उनके कारनामे मोटरवे देख लें, एटमी धमाके देख लें, लाहौर को खूबसूरत देख लें, इस सब के अंदर सबसे बेहतरीन और कलीदी किरदार मियां बरादरन के ही है ना, इसी वजह से कौम इनको याद रखती है। आखिरी सवाल अवाम का सवाल है, मेरा सवाल नहीं, अवाम ये पूछना चाहती है कि नवाज शरीफ साहब मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर आए हैं या कुछ अरसे के लिए आए हैं? भाई देखें गैब का इलम तो अल्लाह पाक को है, क्या सराइयाँ तो हो सकती हैं। जो बंदा बीमारी की हालत में वापस आया है मुल्क की खिदमत करने के लिए आया है और अच्छा गुमान रखना चाहिए, बदगुमानी वाली बातें तो करनी नहीं चाहिए ना। वो इधर आए हैं तो इंशाल्लाह रहने के लिए आए हैं और मुल्क की खिदमत करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ जिंदाबाद, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं, इंशाल्लाह महंगाई में कंट्रोल होगा, इंशाल्लाह आवाम को जो सस्ती चीजें हैं वो इंशाल्लाह मुहैया होंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह जनवरी के एंड में इलेक्शन में।